भागलपुर शहर वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दरअसल भागलपुर के शहरी क्षेत्र में होने वाली भीषण जल संकट को देखते हुए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत लोगों को जल संकट से निजात दिलाए जाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसी को लेकर भागलपुर जलापूर्ति परियोजना फेज 2 के तहत शहरी क्षेत्र में इंटेक वेल और WTP का निर्माण कार्य चल रहा है। इंटेक वेल का निर्माण कार्य जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में चल रहा है। सहायक अभियंता ने बताया, शहरवासियों के बीच जलापूर्ति की समस्या को देखते हुए पूरे शहर में 19 नए जल मीनार का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। दिसंबर 2022 तक भागलपुर शहरी क्षेत्र में 28 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर पानी घर घर तक पहुंचाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। भागलपुर जलापूर्ति परियोजना फेज 2 के अंतर्गत नए इंटेक वेल और WTP का निर्माण होना है, जो दोनों निर्माणाधीन है। इंटेक वेल का निर्माण भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय के प्रांगण में चल रहा है और WTP का भी निर्माण जो है 90 MLD का, वो निर्माण बराड़ी जलशोध संस्थान जो वर्तमान में है उनके परिसर में चल रहा है। क्योंकि भागलपुर में जलापूर्ति की समस्या है और यहाँ के लोगों को जितनी पानी मिलनी चाहिए उतनी पानी वर्तमान समय में नहीं मिल पा रही। तो सरकार की जो दो महत्वाकांक्षी योजना है उसका काम जो है चल रहा, उसी के संदर्भ में जो नए OHSR बनने हैं, जल मीनार बनने हैं, उसकी कनेक्टिविटी क्लियर वाटर से करने के लिए ये जो अभी आप देख रहे हैं 700 mm डाया का पाइप वो बिछाया जा रहा है यहाँ पर, उसी के पर्यवेक्षण के लिए उसमें कोई कमी है या उसमें सुधार की गुंजाइश है और ट्रैफिक व्यवस्था अच्छे से बहाल रहे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो यहाँ के साथ कार्यपालक अभियंता महोदय के साथ सभी आदमी RCD के भी SDO साहब हैं, JE हैं, सबके साथ मिल करके समन्वय बना करके हम लोग कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं।